और इस मामले को लेकर फोकस हरियाणा के संवाददाता विशाल ठाकुर ने चंडीगढ़ के एसएसपी सिक्योरिटी मनीष चौधरी से खास बातचीत की है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए चंडीगढ़ के एसएसपी हैं मनीष चौधरी जी। चौधरी साहब, कितना बकाया जो है किंग्स इलेवन पंजाब का सिक्योरिटी बिल का भी पेंडिंग है? देखिए, हमने जो केस डाले हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें अलग अलग पार्टीज हैं, पीसीए हैं और एजेंसीज हैं, जिन पे तकरीबन 8 करोड़ का बिल लगाया हुआ है। और जो आपका मुद्दा था कि भाई इस साल जो मैचेस हो रहे हैं और प्लेयर्स आएंगे, उनको क्या सिक्योरिटी दी जाएगी, वो चंडीगढ़ प्रशासन ने और पुलिस ने डिस्कस किया था। और उसके अल्टीमेटली ये मामला जो माननीय होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएचए, हमने वहां रेफर किया है, क्योंकि ये 8 करोड़ पेंडिंग है, जिसका ऑडिट ऑब्जेक्शन लगा था और ऑनरेबल पार्लियामेंट की कमेटी में भी ये इशू रेज हुआ था। इसलिए ऑनरेबल एमएचए ही फैसला करेगा, हम अपने लेवल पर फैसला नहीं करेंगे। वैसे अभी चंडीगढ़ पुलिस या चंडीगढ़ प्रशासन ने मिलकर क्या डिसाइड किया गया है कि आपने सिक्योरिटी देने वाले हैं कि नहीं देने वाले हैं? बाकी एमएचए तो अपना डिसाइड करेगा ही, आपने क्या डिसाइड किया है? देखिए, चंडीगढ़ पुलिस और चंडीगढ़ प्रशासन एमएचए के अंडर है। हमने सारे फैक्ट्स बता के, पुराने केस का ब्यौरा देके, फैक्ट्स का ब्यौरा देके एमएचए को लिखा है कि एमएचए निर्णय लेगा। तो अब जो निर्णय एमएचए का होगा, उसी की पालना चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीगढ़ पुलिस करेगी। तो सर, ये पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसा होता रहा है, जब पहले की जितने भी पीसीए के मैच हों या अभी आईपीएल के मैच हों, हर बार जो है पीसीए या किंग्स इलेवन पंजाब है, 8वां सीजन है अब, तो हर बार इस तरह के सिक्योरिटी के बिल जो है पेंडिंग रह जाते हैं, दिए नहीं जाते हैं? जी, देखिए, मैं बाकियों का तो नहीं कह पाऊंगा। जो हमने कोर्ट केस डाला हुआ है, वो कोर्ट में केस लड़ा जाएगा कंसर्न एजेंसीज के खिलाफ। इसीलिए इस बार हमने एमएचए को कहा है, क्योंकि ऑडिट ऑब्जेक्शन लग चुका है और ऑनरेबल पार्लियामेंट की कमेटी के भी संज्ञान में ये मामला है। इसलिए हमारे ऑनरेबल एमएचए जो है वही इसमें फैसला करेंगे। जी, तो किंग्स इलेवन पंजाब को जो है 4 मैचों के लिए जो सिक्योरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये पूरी तरह से अब गृह मंत्रालय जो है डिसाइड करेगा। कैमरामैन अखिल मनुजा के साथ विशाल ठाकुर, फोकस हरियाणा, चंडीगढ़।